एक तरफ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार बच्चों को उच्च शिक्षा देने की बात करती नजर आती है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवन का न होने के कारण छोटे छोटे बच्चे निजी भवन में पढ़ते नजर आ रहे हैं। मामला देवास जिले की तहसील सतवास के ग्राम लेहकी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय लाल पठार का है, जहां पर पिछले 9 सालों से विद्यालय के लिए शासकीय भवन नहीं होने से निजी मकान में स्कूल लगाया जा रहा है। निजी मकान में स्कूल संचालित होने से शासकीय सुविधाओं से छोटे छोटे बच्चे वंचित हैं। एक ओर जहां सरकार ने प्राइवेट विद्यालय संचालित करने के लिए कई नियम एवं शर्तें लागू कर रखी है, वहीं दूसरी ओर सब नियमों को ताक पर रखकर शासकीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों से कोई भी अधिकारी इस ओर सुध लेने को तैयार नहीं दिखता। सतवास से संजय परसाई की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? ये मकान आपका ही है? हाँ। तो यहाँ स्कूल लगभग कितने सालों से लग रहा है? करीब करीब 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। क्या आप इन 9 सालों में शासन से कोई आपको राशि प्राप्त हुई है स्कूल लगाने के लिए? नहीं। तो ये आपने आपके मन से ही यहाँ स्कूल लगवा रहे धर्म में कि? धर्म पे लगवाए थे, पर वो सर कह रहे थे कि बोले अभी बिल्डिंग बन जाएंगी। हाँ। उसके बाद में यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे यहाँ। चलो ये। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। आप यह स्कूल में बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं, पुनित कार्य कर रहे हैं, जो आपके प्राइवेट मकान में आप स्कूल लगवा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सबकी ओर से। बोले सर, ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय लाल पठार लेके। लाल पठार लेके। हाँ। यहाँ के प्रभारी आप ही हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सौरभ बोतरा। यहाँ कितने बच्चे हैं सर? 12 बच्चे दर्ज है यहाँ पे। और हमने सुना है यहाँ मध्यान्ह भोजन की शिकायतें थी पहले काफ़ी, यहाँ पे मध्यान्ह भोजन आ नहीं पाता था जो पहले चला रहा था उसकी वजह से। हाँ, लेके का समूह चलाता था। हाँ। उसकी अनियमितता के कारण हमने मध्यान्ह भोजन यहीं पर शुरू कर दिया। अच्छा, अब आप यहीं पर बनवाते हैं? हम यहीं पर बनता है मध्यान्ह भोजन। और यहाँ से और किसी भी स्कूल में जाता है क्या? हाँ, भोला नगर में जाता है यहाँ से। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है भोला नगर? 3 किलोमीटर। वहाँ आपकी व्यवस्था से ही आप लोग दे के आते हो? हाँ। और इसके लिए शासन की ओर से आपको कुछ राशि दी गई है? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं दी गई है। अच्छा, तो अभी तक ये जो आप भोजन बनवा रहे हैं, लगभग कितना टाइम हो गया इसको? 1 महीना हो गया। तो 1 महीने के भोजन की राशि फिर आपको शासन से उम्मीद है कि मिलेगी? मिल जाएगी, मतलब राशन की राशि तो मिली है, पर ये आने जाने का जो खर्च वगैरह ये नहीं मिल पाता, तो ये कर रहे हैं एडजस्टमेंट। अच्छा, स्कूल की जो यहाँ ये प्राइवेट बिल्डिंग में लगता दिख रहा है। हाँ। तो यहाँ शासकीय बिल्डिंग नहीं है स्कूल के लिए? नहीं है, यहाँ प्राइवेट में ही लगा रहे हैं। हाँ, प्राइवेट यहीं पे लग रहा है, प्राइवेट बिल्डिंग में। अच्छा, तो क्या आप मांग करेंगे शासन से कि कोई व्यवस्था? मांग कर चुके हैं, आवेदन कई बार दे चुके हैं, BRC कार्यालय में दे चुके हैं आवेदन। हाँ। वरिष्ठ अधिकारियों का हुआ थे, पर अब क्या पता कहाँ पर चल रही है बिल्डिंग। इसका किराया शासन से आता होगा? नहीं, निशुल्क है, या कोई किराया नहीं मिलता शासन से। अच्छा, निःशुल्क। दादा जिनका घर है वो निःशुल्क यहाँ स्कूल के लिए चलवा रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।